आप? वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन पूजा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं एक रेमेडी लेके। काफी दिन से मेकअप करके मैं नहीं थकी थी, मगर मेरा चेहरा थक गया। आपको देखने आपको दिख रहा होगा कि चेहरे पे कितने पिंपल हो गए और थोड़ा डल हो गया चेहरा, क्योंकि मैं DIY भी यूज नहीं कर पा रही थी। डल स्किन मेरे चेहरे पे चिपक सी गई है। तो चलिए, आज मैं आपको जो रेमेडी बताऊंगी, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि आपके चेहरे की जो रंगत है ना वो उड़ गई है, जो आपका चेहरा है ना वो डल हो गया है, तो ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, भाई आपको ये करना है। फिर देखिएगा आपकी स्किन में कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाएगी, खोया निखार आपको मिल जाएगा, आपका स्किन वाइट होने लगेगी। बट इसको आपको लगाना है वीक में 2 बार और फिर देखिएगा क्या आता है निखार। वीडियो अच्छा लग जाए तो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये जो मैंने मेकअप लगा रखा है ना, इसको मैं क्लीन करके आती हूँ और फिर फटाफट आपको रेमेडी बताती हूँ। मैंने अपना मेकअप क्लीन कर लिया है। बाहर से झिंगू की आवाज़ आ रही है। लिप कलर क्लीन नहीं किया है, बताती हूँ। आपको लेना कॉफ़ी, ठीक है? इतनी कॉफ़ी आपको लेनी है, क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए। और मेरी कॉफ़ी थोड़ी काली आपको लग रही होगी, लग नहीं रही होगी, ये काली हो गई है क्योंकि मेरा जो कॉफ़ी का बॉटल है ना उसमें हवा चली गई है, तो अब ये ऐसी हो गई है। यानी अब ये केवल चेहरे पे लगाने लगे, ठीक है? कॉफ़ी हमारी स्किन को वाइट करता है, ब्राइट करता है, हमारे डेड स्किन निकालता है, हमारे चेहरे को चमकाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। बट इसका यूज आपको अच्छी तरह से करना आना चाहिए। वीक में अगर आप 2 बार कॉफ़ी लगाते हो ना, तो आपके चेहरे पे जो डलनेस की प्रॉब्लम है, जो सांवलापन है और आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे, गारंटी, ठीक है? इसके बाद आपको लेना है कोई भी फेस वाश। मैं अभी नीम फेस वाश लगा रही हूँ, रूप मंत्रा का, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और बेस्ट फेस वाश है। अगर आपके सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, किसी भी तरह की स्किन है, यार काफ़ी अच्छा, एक बार लेके देखिए आप। इसका रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका एक कॉफ़ी लेनी है लगभग आधा चम्मच, और आपको अपना जितना क्वांटिटी में आप फेस वाश करते हो, ठीक है, उतनी क्वांटिटी लेनी है, ठीक है? इसका कलर भी बहुत अच्छा है फेस वाश का, एकदम ग्रीन, क्या महक रहे हैं दोनों मिलके आपस में, ठीक है? ये हम अपना फेस वाश प्लस स्क्रब बना रहे हैं और इसे हम चेहरे पे इस तरह से लगा लें। कॉफ़ी आपको तुरंत चेहरे पे लगा लेनी है, मतलब इंतज़ार नहीं करना मेल्ट होने का, क्योंकि पानी हाथ में लगा लेना, ठीक नहीं है? बस ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं फेस वाश करके आती हूँ। बस आपको लगभग 30 से 1 मिनट तक आपको ये करना है, इसके बाद आपको नॉर्मली फेस वाश कर लेना है। तो मैं फेस वाश करके आती हूँ। तो दोस्तों, मैंने फेस वाश कर लिया है और मेरा चेहरा पे फेस वाश के साथ साथ स्क्रब भी हो गया और चेहरा कितना वाइट दिखने लगा है ये भी निकल गई। इसके बाद दूसरा प्रोसेस आपको करना है, ये लेना है आपको टमाटर जूस, आधे टमाटर का जूस आपको लेना है, काफ़ी है। इसके बाद आपको लेना है संतरे के छिलके का पाउडर। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे कोई कुछ भी ले सकते हो, मुल्तानी मिट्टी ले सकते हो, चावल का आटा ले सकते हो, ठीक है, या चंदन पाउडर ले सकते हो। और आपको इसमें ऐड करना है लगभग 1 स्पून आपको ऐड करना है, ठीक, लगभग 1 स्पून ऐड करना है। और इसमें आपको पानी होनी और कुछ नहीं डालना है, तो इस तरह का पेस्ट है ना, अभी थोड़ा पेस्ट है तो इसमें थोड़ा सा हमें और ऐड कर लीजिए, एक थिक सा पेस्ट हमको बनाना है। संतरे का पाउडर हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, साथ ही साथ ये जो टमाटो जूस होता है ना, ये भी काफी अच्छा होता है। तो इस तरह से पेस्ट आपको बना लेना है और अपने पूरे फेस पे इसको लगा लेना। ये रेमेडी मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वीक में आपको 2 से 3 बार इसको लगाना है। चेहरे पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या आपकी स्किन में प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है, तो आप इसका यूज बिल्कुल ना करना।
और अगर ऐसा कुछ आप पहली बार लगा रहे हो ना, तो एक पैच टेस्ट करके जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया। हमारी स्किन में जितनी भी डैमेज हो जाती है, ये उसको रिपेयर करता है, ये हमारी स्किन को अंदर से रिपेयर करता है। लन 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 लन। तो लगभग 5 से 6 मिनट तक के इसको अपने फेस पे आपको रखना है, और उसके बाद मैं आपसे बताती हूँ कि क्या करना है। ये सूख जाता है तो मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, और अब आपको अंतर खुद दिख रहा होगा लाइव रिजल्ट, कितना अंतर आ गया। जो पहले की वीडियो में शुरू में देखिएगा आप मेरा चेहरा, और अब देखिएगा चेहरा कितना क्लीन हो गया है, और जैसे लग रहा है कि कुछ अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा सा एहसास आ रहा है चेहरे पे, चेहरा बहुत टाइट लग रहा है, एक जैसे लग रहा है कि मैंने कुछ कहीं से कुछ अच्छा करवा के आया है चेहरे पे। एक काम और करना है, आप चाहो तो मॉइस्चराइजर लगा लो, अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहते हो तो एक बेस्ट काम है जो इसको लगाने के बाद मैं करती हूँ वो आपको करना है। आपको लेना है गुलाब जल, कॉटन में ले लो या इस तरह हाथ में ले लो, ठीक है। मैं तो इसी तरह लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथ अभी एकदम क्लीन है, और इस तरह से अपने पूरे फेस पे लगा। अगर आपके चेहरे पे थोड़ा सा भी हल्का फुल्का कुछ एलर्जी हो गया होगा, या कट गया होगा, या कोई डैमेज हो गया होगा, जितनी भी स्किन हमारी डैमेज हो जाती है ना, वो सबको ये अच्छे से रिपेयर कर देगा। गुलाब जल हमारे चेहरे के लिए वरदान होता है, और आपके अगर डार्क सर्किल है तो उनके लिए भी। बस ये हो गया, सभी तरह के स्किन वाले ये रेमेडी यूज कर सकते हैं। अगर आप 16+ हो तो इसको लगा सकते हो अपने चेहरे को टाइट वाइट ब्राइट बनाने के लिए, अपनी डेड स्किन को रिपेयर करने के लिए, चेहरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए। काफ़ी अच्छी रेमेडी है, यूज करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और कोई रेमेडी चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू।